ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है और हम ऑप्टिमाइज वर्कआउट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है शुड आई अप्रोच में सेशन ये क्वेश्चन बहुत बार सुना है कि क्या मुझे एक प्लान के साथ जिम जाना चाहिए अगर मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली आपके पास प्लान होना चाहिए ये एक क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए मैंने बहुत बार सुना हुआ ये क्वेश्चन बट मेरे को समझ नहीं आता क्यों अगर आपके पास प्लान नहीं होगा आप जाओगे आपका जो मन करेगा आपका आज बाइसेप्स करने का मन करा आपने बाइसेप्स कर लिया आपका ट्राइसेप्स करने का मन करा आपने ट्राइसेप्स कर लिया आपका चेस्ट करने का मन करा आपने, कर कर, आपने चेस्ट कर लिया देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो आप जिसका, जिसका जिस पे आप ध्यान नहीं दे पाते या आपका मन नहीं करता वो करने का लेग्स बहुत लोग स्किप करते हैं जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो आप ऑब्वियसली आपका बॉडी ग्रो होगा आपके मसल्स ग्रो होंगे लेकिन वो एस्थेटिकली नहीं होगा मान लो आप बहुत ज़्यादा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मारते हो और चेस्ट मारते हो आप बैक को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते या आप लेग को ध्यान नहीं दे पाते तो वो सब बॉडी लैग कर जाएगा वो सब मसल्स लैग कर जाएगा और वो छोटा ही रह जाएगा वो मतलब होता ना वो एस्थेटिक नहीं हो पाएगा आपके पास चेस्ट होगा आपके पास आर्म्स अच्छे होंगे आपका फोर आर्म बहुत अच्छा दिखेगा आपके बाइसेप्स अच्छे दिखेंगे बट वॉट अबाउट आपका बैक अगर कोई आपको पीछे से देखेगा तो पता चलेगा कि यह बंदा तो लिफ्ट भी नहीं करता या आपके लेग्स को देख के ऐसा रहेगा कि आप जिम जाते ही नहीं बस आपके आर्म्स को देख के लगेगा और लेग डे तो कभी मिस करना ही नहीं चाहिए तो उसके बाद अप्रोचिंग सेशन विथ अ प्लान ऑब्वियसली हमारे पास प्लान होना चाहिए आपके आपको पता होना चाहिए आप कौन सा स्प्लिट यूज़ कर रहे हो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के स्प्लिट यूज़ करते हैं एक होता है ब्रो स्प्लिट Uh, जिसमें पाँच दिन का वर्कआउट होता है फ़र्स्ट डे चेस्ट होता है सेकेंड डे बैक होता है उसके बाद फिर शोल्डर्स uh, होते हैं फिर आर्म्स uh, होते हैं फिर लेग्स होते हैं तो ये पाँच दिन का वर्कआउट होता है और हर चीज़ हर हर एक दिन एक मसल्स होता है तो एक हफ्ते में आपको पाँच दिन वर्कआउट करना है और तब भी आपका सारा मसल्स uh, ये एक दिन ही वर्कआउट होता है वीक में एक बार ही एक्सरसाइज़ हो पाता है एक मसल्स का मैं ये कहना चाहता था उसके बाद एक होता है फुल बॉडी वर्कआउट जिसमें आप हर रोज़ जाते हो या जब भी आप जिम जाते हो उसमें सारे बॉडी पार्ट करते हो तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कम टाइम होता है किसी भी मसल्स पे ध्यान देने का तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस जब आप न्यू भी हो सबसे पहली बार जिम जा रहे हो तो फुल बॉडी वर्कआउट करना आपके लिए बेटर होता है कुछ महीनों के लिए उसके बाद फिर आता है हमारे पास स्प्लिट टू डेज़ का जिसमें होता है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी अब क्या होता है कि लोअर बॉडी में आपके पास लेग्स है सिर्फ ठीक है लेग्स है काव्स हैं तो उस पर आप अच्छे से फोकस कर पाते हो फोकस कर पाते हो लेकिन अपर बॉडी में आपके पास आर्म्स होता है आपके पास शोल्डर होता है आपके पास चेस्ट होता है आपके पास बैक होता है तो वो भी एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है या अगर आपको अच्छे से नहीं करना आया अगर आप उस चीज़ को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हो तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बट इसका फ़ायदा ये है कि आप बैक का आज करो एक ठीक है फिर नेक्स्ट डे आप लेग कर रहे हो फिर फिर बैक का नेक्स्ट फिर सारे वर्कआउट मतलब अपर बॉडी फिर से कर रहे हो तो बैक का एक किया चेस्ट का एक किया तो ऐसे हर ऑल्टरनेट डेज आप एक, एक दो दो आ, सेट्स लगा रहे सॉरी एक एक दो दो एक्सरसाइज कर रहे हो हर बॉडी पार्ट का और वीक में अगर आप छः दिन जम जाते हो या पाँच दिन जिम जाते हो तो आप दो से तीन बार हर बॉडी पार्ट को ट्रेन कर पा रहे हो तो अगर आप डेली एक या दो वर्कआउट करते हो आ, पर बॉडी पार्ट तो डैट्स लाइक ऑप्टिमल बट मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है ये चीज़ मतलब कि उतना ज़्यादा मेरे को ऑप्टिमाइज नहीं लगता तो जो मैं वर्कआउट स्प्लिट यूज़ करता हूँ वो है थर्ड तीन दिन का जो कि मैं छः दिन जिम जाता हूँ जिसमें तीन दिन मैं आ, अपने पर मेरा हर तीन दिन पे मेरा साइकिल रिपीट होता रहता है तो फर्स्ट डे मेरा रहता है लेग्स जिसमें मैं थोड़े बहुत आर्म्स ट्रेन करता हूँ क्योंकि आ, जब मैं पहले मैं आपको पूरा रूटीन बताता हूँ लेग्स हो गया जिसमें आर्म स्ट्रेन करता हूँ फिर हो गया चेस्ट मतलब कि पुल वर्क पुश वर्कआउट और उसके बाद होता है पुल वर्कआउट अब लेग के दिन मैं आर्म्स इसलिए करता हूँ क्योंकि पुश के दिन बहुत ज़्यादा मेरे को चेस्ट मैं चेस्ट पे फोकस रखता है और शोल्डर पे फोकस रहता है और ट्रैप एंड में जितना टाइम रहता है वो करता हूँ और सेम चीज़ कि पुल में बैक पे पूरा फोकस रहता है ट्रैप्स पे ट्रैप्स पे फोकस रहता है और फिर थोड़ा बहुत फोकस मेरे रियर शोल्डर पे रहता है पीछे वाले तो उसमें भी मैं बाइसेप्स में जितना टाइम मेरे पास बचा रहता है थोड़ा बहुत या जितना एनर्जी मेरे पर, मेरे पास बचा रहता है वो फिर बाइसेप्स एंड में लगाता हूँ तो पूरा फोकस मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे इन दोनों डेज़ में नहीं रहता है इसलिए मैं लेग के दिन क्योंकि लेग मेरा काफ़ी जल्दी ट्रेन हो जाता है मतलब कि लेग एक बड़ा मसल्स है बट लेग के उतने सारे एक्सरसाइजेस नहीं हो पाते क्या जब मैं लेग करता हूँ तो मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स थके हुए नहीं होते उस टाइम क्योंकि उनका यूज़ नहीं है बहुत ज़्यादा तो मेरे पास एनर्जी बची रहती है लेग बाई आर्म्स करने के लिए तो मैं आर्म्स ट्रेन कर लेता हूँ लेग के दिन भी तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगता है उसके बाद आप ये स्प्लिट यूज़ कर सकते हो तो हमारा क्वेश्चन क्या था अगर आपके पास प्लान नहीं है तो ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे आप जो जैसे आपके मसल्स तो बनेंगे आप जिम जा रहे हो आप वर्कआउट कर रहे हो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके मसल्स बनेंगे लेकिन आपका जितना रिजल्ट आ सकता है अगर आप प्लान के साथ जाओगे वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं आ पाएगा अगर आप बिना प्लान का जा रहे हो और अगर आप कुछ भी कर रहे हो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करिए आपके लिए कौन सा स्प्लिट सही है और आपके आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो आज अब जब भी जाओ आप सोचो कि हाँ पहले मैं चेस्ट करने वाला हूँ तो पहले किस एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँगा उसके बाद क्या एक्सरसाइज करूँगा फिर जब आपके पास प्लान होता है तो आप ग्रो uh, भी अच्छे से कर पाते हो क्योंकि अगर आप आज चेस्ट कर रहे हो फिर कल भी चेस्ट कर रहे हो फिर परसों भी चेस्ट कर रहे हो या जो एक्सरसाइजेस हमें पसंद है हम उसको उन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं अगर हमारे पास प्लान नहीं है लेकिन जब हमारे पास प्लान है तो हम इक्वली सबको फोकस दे पाते हैं और हम ट्रैक भी अच्छे से रख पाते हैं कि आ, आज अगर मैंने चेस्ट किया है तो आज कितना वेट उठा रहा हूँ बेंच प्रेस पर अगर मैं बैक कर रहा हूँ तो मैं लाइट पुल पे कितना वर्कआउट कितना वेट उठा रहा हूँ और फिर उस चीज़ को मैं लाइक कहीं लिख सकता हूँ या उस चीज़ को ध्यान रख सकता हूँ और फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट डे जब मैं चेस्ट करूँगा वापस तो आ, मैं ध्यान रख सकता हूँ कि लास्ट वीक मैंने कितना किया था जब लास्ट चेस्ट किया था तब कितना किया था और अब मेरे को कितना वेट बढ़ाना चाहिए तो ये सब चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है और हम ऑप्टिमाइज्ड वर्कआउट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है तो अगर आप प्लान के साथ नहीं जाओगे तो आपको जितना रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा तो प्लीज़ हैव अ प्लान बिना प्लान के साथ वर्कआउट कभी भी नहीं करना चाहिए तो आप क्या प्लान कर रहे क्या स्प्रिट यूज़ कर रहे हो उस उस ध्यान वो चीज़ ध्यान रखो आपका क्या गोल है वो चीज़ ध्यान रखो ऐसा नहीं कि आप फैट लूज़ करना चाहते हो तो आप बॉडी बिल्डिंग वाले फो आ, सारे पे फोकस करो अगर आपके पास प्लान नहीं होगा तो वैसा भी हो सकता है तो आपका क्या गोल है आप आपके पास कितना टाइम है आप क्या आप आ, किस तरह का स्प्लिट यूज़ करना चाहते हो इन सब का ध्यान रखो एक प्लान बनाओ और फिर जाके वर्कआउट करो वो बहुत बेटर होगा बिना किसी कि, बिना किसी प्लान के जाने से बहुत ज़्यादा बेटर